Hey guys, welcome back to the channel. This is Pratik and watching Pratikness. So guys, after very very long time, I'm back with my vlog. So guys, reason बहुत सारे थे कि vlogs क्यों नहीं आ रहे थे. तो finally मैंने सोचा कि चलो यार एक video बनाते हैं. और काफ़ी time हो गया मुझे एक्सपल्स को ride करते हुए, तो मैंने सोचा कि चलो एक ride review kind of video बनाते हैं. और इस vlog में आप देखोगे कि यार जो भी एक्सपल्स लेने वाले बंदे हो, इस vlog को पूरा देखना. और मैं बताऊँगा यार प्रॉब्लम्स के बारे में मेजरली, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे आ रहा है अभी फिलहाल, मैंने नोटिस किया है कुछ टाइमों में, और उसके बारे में बात करेंगे. तो चलो सबसे पहले मैं बाइक दिखाता हूँ. और अभी ऑल द मुझे नवंबर 10 को मैंने परचेज़ किया था 2022 में, और अभी अप्रैल हो गया है, लाइक मिड ऑफ द अप्रैल चल रहा है. तो गाइस, आप लोग अगर एक्सपल्स लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये ब्लॉग आपके लिए है. और चलो एक बार मैं बाइक दिखाता हूँ किस तरह से बाइक है. ऑल द बाइक बहुत ज़्यादा गंदी हुई, मैंने ध्यान नहीं दे रहा था पूरा इस चीज़ के ऊपर. तो चलो एक बार मैं बाइक दिखाता हूँ उसके बाद स्टार्ट करते ब्लॉग. सो हियर इट इज़ आवर बाइक. नवंबर मैंने परचेज करा था और अभी पाँच महीना आई थिंक हो गया है. तो ये चीज़ अभी आप देख सकते हो अटल पथ पे है, काफ़ी ज़्यादा धूप है बिकॉज अभी गर्मी का टाइम आ गया है. 10 बजने वाले हैं, 10 बज गया है. तो हम लोग जाएंगे दीघा के साइड और एलिवेटेड पे जाके इसका टॉप सीट वगैरह का वीडियो आज मैं बनाऊंगा, एक दो शॉर्ट्स मैं शूट करूंगा. तो चल चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और आप लोगों को बताता हूँ क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स मुझे देखने को मिल रहा है. तो चल चलते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सपल्स के बारे में, चलने में कैसी है और आप लोग कंसिडर कर सकते हो क्या नहीं कर सकते. देखो यार, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पिकअप ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है बिकॉज ये 4V जब से हुआ है पिकअप काफ़ी अच्छा बढ़ गया है इसका. बट जो प्रॉब्लम है गाइस वो है इसके सबसे मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो इसका ट्यूब टायर है ना, अभी मुझे काफ़ी रिसेंटली मुझे एक महीना में दो बार इसका टायर हटवाना पड़ा, खुलवाना पड़ा बिकॉज पंक्चर हो जाता तो टायर खुलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है. तो अब इस चीज़ को लाइटली बिल्कुल मत लेना बिकॉज प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, बिकॉज जहाँ पर भी ये पंक्चर होगी वहीं पर फ्लैट हो जाएगा इसका टायर और आप लोगों को ढूंढना पड़ेगा पंक्चर वाले को. और बहुत बार क्या होता है कि सब पंक्चर बनाने में कभी कभी आधा से एक घंटे का टाइम लग जाता है बिकॉज इसका पूरा टायर खुलना पड़ता है और अलाइनमेंट भी गड़बड़ा जाता है जब भी टायर खुलता है इसका. तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुझे लगता है, और अगर ये चीज़ नहीं होता तो काफ़ी अच्छा रहता. और दूसरे में मैं आपको बता दूँ यार, हीटिंग इशू और इंजन नॉइज़. अभी तो मैंने दिखवाया तो बोलते हैं लोग कि यार चलने में कोई दिक्कत नहीं है, पिकअप अच्छा है. तो इंजन नॉइज़ जो आ रहा है वो आई थिंक चेन की वजह से आ रहा है, समथिंग लाइक डैट. पर मुझे तो नहीं लगता ऐसा बिकॉज वो आप मतलब होता है ना कि एक टाइम के बाद वो इरिटेट होने लगता है. तो वो चीज़ आप लोगों को देखनी होगी और इसका कोई उपाय नहीं है. ऑल्दो मैं बता दूं कि इसका जो एक्जॉटिक वाला जो हीरो का ऑयल आ रहा था उसको मैंने चेंज कर दिया. उसका रीज़न ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन हीटिंग. तो अभी तीसरा प्रॉब्लम के बारे में बताने वाला हूँ वो है इंजन हीटिंग. पहला मैंने बताया कि यार इंजन से कोई इशू नहीं है, बट जो आवाज़ आता है वो उतना अच्छा मुझको देखने को नहीं मिलता. तो उसके लिए मैं सेटिस्फाई फील नहीं करता बिकॉज यार लगता है ना कुछ प्रॉब्लम है, आप कंफर्टेबल नहीं फील करते हो एक टाइम के बाद. तो ये चीज़ें हैं. और दूसरे में कि यार इंजन हीटिंग इतना ज़्यादा हो रहा था मेरे बाइक में, इसका सॉल्यूशन क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा बिकॉज मैंने सर्विस सेंटर दो बार ले गया हूँ. वो लोग बोलते हैं कि अभी गर्मी का टाइम है इसलिए इंजन हीटिंग हो रहा है. तो वैसे बाकी सब लोग भी तो बाइक चला ही रहे हैं ना. वो इंजन हीटिंग, नॉर्मल इंजन हीटिंग तो सबको पता है कि यार कैसा होता है, बट एक टाइम के बाद पर क्या होता है ना कि पैर पे आपको चुभने लगता है वो गर्मी, वो लगने लगता है यार कि बहुत ज़्यादा इंजन हीट हो रहा है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते आप एक टाइम के बाद. तो इसके लिए मैंने वो दिमाग लगाया जो उसका एक्जॉटिक वाला तेल था, ऑल दो 5000 किलोमीटर पे चेंज करना था, फर्स्ट सर्विसिंग मैंने चेंज कराया था, उसको मैंने तुरंत ही चेंज कर दिया. लाइक एक हफ्ता पहले मेरा सेकेंड सर्विसिंग हुआ, उसको मैंने मोटल के साथ चेंज कराया 10W40. तो वो इंजन वाले के साथ मुझे ठीक ठाक मुझे हीटिंग तो नहीं मिल रहा, मतलब ओके टाइप का है, बट अभी भी उतना अच्छा इंजन क्या बोलते हैं कि हीट कूल नहीं रह पा रहा है, वो हीट हो ही रहा है हल्का फुल्का. तो वो चीज़ आप लोगों को कंसिडर करना पड़ेगा. और ये कुछ मेजर प्रॉब्लम मुझे देखने को आए. सबसे पहले यार सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम इसका टायर वाला, बिकॉज वो पंक्चर होता ही रहता है, 5 बार 6 बार पंक्चर हो गया है. और मुझे लगता है एक दो बार और पंक्चर हुआ तो मुझे ये इसका ट्यूब ही चेंज कराना पड़ेगा बैक वाला. तो ये चीज़ है. फिलहाल इसका माइलेज के बारे में बात करेंगे. माइलेज यार 30 से ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा तुम लोगों को, 30 से ज़्यादा इसका माइलेज है ही नहीं. 30 भी आपको मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से चला रहे हो, 50, 40, 60 तक ले जा रहे हो, उससे ज़्यादा रेव नहीं कर रहे हो. मैं खुद उतना ही ले जाता हूँ बिकॉज आप देख सकते हो रोड भी काफ़ी अच्छा है, बट मैं उतना ज़्यादा ले नहीं जा रहा बिकॉज मुझे पता है इसका माइलेज कुछ खास नहीं है. ऑल दो कंपनी क्लेम करती है अराउंड 50, विच इज़ वो मिल ही नहीं रहा. और मैंने अपने चैनल पर माइलेज ट्रेड भी करा गाइस, उसमें 58 का माइलेज दिया. आई डोंट नो हाउ, हो सकता है कि मेरे बाइक में पहले से तेल होगा
और इंजन मैंने मतलब जो होता है ना टंकी मैंने खाली करके फिर से फिलअप करा, बट हो सकता है होगा कहीं ना कहीं तेल, इसलिए उसने 58 का माइलेज दिया, पर वो 30 से ज़्यादा माइलेज देखने को नहीं मिलता। तो ये चीज़ है। और अभी हम लोग अटल पथ पे गाइस, तो ब्लॉग कैसा रहा कमेंट करके बताओ। और अभी चलते थोड़ा सा आगे, और मैं जाऊंगा एम्स एलिवेटेड बिकॉज वहां पर मुझे टॉप स्पीड चेक करना है। तो जो लोग टॉप स्पीड के लिए वेट कर रहे हो, इसके बाद वो वाला वीडियो आएगा, ये वीडियो पहले जाएगा। और थोड़े बहुत मैं बर्नआउट वगैरह मार के देखूंगा कि यार एक्सपल्स मैं ये सब चीज़ें कर पाता हूँ कि नहीं, बिकॉज मैं थोड़ा सा उस तरफ में आ रहा हूँ कि जहाँ पर थोड़ा सा विली वगैरह बर्नआउट, बिकॉज चैनल में थोड़ा सा मसाला आए, ऐसे कुछ फीका फीका लगता है बीइंग अ राइडर। ये सब राइडर कहने का मतलब कि छपरी राइडर नहीं ब्रो, एक अच्छा सा राइडर, रिस्पॉन्सिबल राइडर। तो ये सब चीज़ें करने में इंटरेस्टिंग लगता है, जैसे कि मुझे अच्छा लगता है। और ये ऑल्दो ये बाइक वो उन सब चीज़ों के लिए बनी नहीं, बट फिर भी बर्नआउट तो ट्राई कर ही सकते हैं ना। तो अभी चलते हैं सीधा, अभी हम मैं हूँ अटल पथ पे और अभी दिग्गा के साइड में भर रहा हूँ गाइस। तो चलो साथ में चलो, थोड़ा सा व्यूज़ वगैरह इन्जॉय करो और बने रहो ब्लॉग में। और एक चीज़ और है गाइस, मैं अभी शेयर कर दूँ मेरे चैनल के ऊपर, अभी आप लोग चैलेंज, मैंने चैलेंज में एनीथिंग एक्सपेरिमेंट करना चाहा अपने चैनल के ऊपर, चैलेंज में एनीथिंग करके मैंने एक पोस्ट डाला है, उस पर आप लोग कुछ भी चैनल कर चैलेंज दो मुझे। ज़्यादा कोशिश करना कि बाइक से रिलेटेड चैलेंज हो, ताकि मैं परफॉर्म करूँ और मोटो ब्लॉगिंग वगैरह मैं चैनल के ऊपर पोस्ट भी करते रहूँ। सो गाइस, ब्लॉगिंग करते करते हम लोग फिर पहुँच चुके हैं दिग्गा, और आप देख सकते हो हम लोग दिग्गा में हैं, इधर साइड मरीन ड्राइव और इस साइड में यार ब्लॉगर्स ज़रूरी मुझे देखने को मिलेंगे, बिकॉज यही एक पॉपुलर लोकेशन है पटना में ब्लॉगिंग करने के लिए और रश ड्राइविंग करने के लिए, बिकॉज अपन रश ड्राइविंग नहीं करेंगे गाइस। और चलो चलते हैं, अभी हम लोग जाएंगे एम्स एलिवेटेड दिग्गा, दिग्गा एम्स एलिवेटेड जो है दानापुर में जाके ख़त्म होती है, वहाँ पर जाएंगे। और व्यूज़ देख लो काफ़ी अच्छा है, अभी तो यार ब्लॉगिंग दम डे में हो रहा है, तो यार मुझे लगता है कि आप लोगों को व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे से देखने को मिल रहा होगा। तो ये सीन रहने वाला है, और उधर से आप सीधा जाओगे तो आपको सोनपुर वाला पुल पे आप चढ़ जाओगे, और सामने से आप लोगों को एम्स वाला रोड मिलेगा। कंफ्यूज़ मत होना कभी भी आना। तो और जो लोग पटना से बाहर ब्लॉग देख रहे हो, आना एक बार पटना में, तो ये वाला एरिया ज़रूर विज़िट करना, काफ़ी अच्छा एरिया है। और मैं जल्दी लाने वाला हूँ पटना का एक इंग्लिश में ब्लॉग, बिकॉज उसका एक अलग कनेक्शन कि वाई इन इंग्लिश, तो एक ये अलग चीज़ होने वाला है। सो गाइज, अभी मैं आ गया हूँ एम्स एलिवेटेड, देख सकते हो पूरा रोड खाली है, तो यहाँ पर टॉप स्पीड बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है मुझे। अब मैं दिखाऊंगा आप लोगों को यार कि किस तरह से मेरा बाइक जो है ना, कि इसका इंजन साउंड जो है ना किस तरह से आता है। अब मैं चलाऊंगा, माइक को वहाँ पर रख दूंगा, आप लोग खुद ही सुन लेना किस तरह से इंजन साउंड वहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है। तो गाइस ये था आज का ब्लॉग, तो कैसा लगा कमेंट में बताना। मैंने ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव तरीके से रखा है इस ब्लॉग को, यार एक्सपल्स ओनर जो भी एक्सपल्स ओन करते हो और जो लेने वाले हो उनके लिए। तो ये ब्लॉग